नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ अयोध्या में श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सोमवार को दिन में शहर के भवरनाथ मंदिर में एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। दर्शन पूजन के बाद सांसद ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद का वितरण किया। लाइव प्रसारण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। इस दौरान जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, लोगों के चेहरे पर भावना व भक्ति का भाव साफ झलक रहा था। चाहे वह आम आदमी हो चाहे वह वीआईपी क्यों न हो। इस अवसर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब भगवान पैदा हुए थे उनका नामकरण हो रहा था, तभी यह कहा गया कि दो अक्षर का नाम होना चाहिए। यह भले ही दो अक्षर का नाम है लेकिन इसे पूरा ब्रह्मांड शामिल है। आज जितने भी राम भक्त हैं सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। वही भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि वह बहुत ही सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रही है। राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है और सही मायने में आज ही दिवाली है। उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री बने और कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग बहुत तेजी से चली तब संभव हुआ। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम युद्ध जीत कर आए थे, इसी तरह से कलयुग में रामलला कोर्ट में केस जीत कर आए हैं। भाग्यशाली है हम लोग कि हम लोग ये पल अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। हम लोगों की कई पीढ़ियां संघर्ष करते करते ख़त्म हो गई। उनका भी यही सपना था कि वो रामलला को विराजमान होते हुए अयोध्या में देखें, पर वो नहीं देख पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। प्रभु की कृपा है कि हमारे रामलला का हम दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये भी प्रभु राम की ही कृपा है, क्योंकि राम को वही पा सकता है जो अपने स्वार्थ को छोड़ दे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो मुझे राम मिल जाएंगे। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसको राम नहीं मिलेंगे, वो उसी में फंसा रहेगा। तो मुझे लगता है कि राम को पाना है तो पहले स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। तो विपक्ष जो है वो स्वार्थ में इतना वशीभूत हो गया है कि वो राम उसको मिल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए, राम के आगे जाके ये सब चीजें बहुत तुच्छ हो जाती है, वोट और कुर्सी सिंहासन। जिस राम में पूरा ब्रह्मांड विराजमान है, अब उस राम के आगे ये सब चीजें बड़ी तुच्छ है। इन सब बातों के बारे में अगर कोई सोचे तो सच में आपने सही वर्ड कहा। अब आगे ही होंगे ऐसे लोग। अखिलेश भैया कह रहे थे कि हमको बुलावा आएगा तो जाएंगे, अब बुलावा आया तब भी नहीं गए। मैंने कहा ना कि जो लोग भी स्वार्थ जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक वो राम तक नहीं पहुंच पाएंगे। राम को पाने के लिए आपको स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापी राम, जब सबके अंदर राम दिखने लगेंगे तब आप आराम से सब स्वार्थ त्याग करके और प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाएं। आज पूरा देश राममय है, पूरा विश्व राममय हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम है। विपक्ष को राजनीति के अलावा कुछ सूझता भी तो नहीं है, और कहीं भी उनकी राजनीति जो है वो कहीं टिकती भी नहीं है। तो अब प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा हो रहा है। खाई गया है हुई है सोई जो राम रची राखा, तो भगवान राम ने रचा है कि हम लोग राम के भक्त जो हैं पूरी दुनिया राममय हो करके राम राम करेंगे, और ये लोग जो है वो राम से दूर रहेंगे। ये भी कृपा राम की ही है। जी बिल्कुल, ये मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ। मुझे पता नहीं कितने जन्म मैंने इससे पहले लिए होंगे, जब मैं भी शायद तरसी होंगी ये गोल्डन टाइम देखने के लिए। और इस जीवन काल में मुझे श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनते हुए, उनकी इतनी सुंदर प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे
कि मैं इस समय पर हमारे देश में पैदा हुई हूँ और मुझे ये गोल्डन पीरियड देखने मिल रहा है। अभी भी कुछ लोग निमंत्रण पाने के बाद भी नहीं गए, उनके लिए क्या कहेंगी जो अब आगे हैं, रह गए इतने हम सुनहरे अवसर पर? जैसे क्या होता है, निमंत्रण मिलना, निमंत्रण किसी को देना, ये तो इंसान का काम है, इंसान करता है कि किसी को निमंत्रण दे सकता है, लेकिन किसी का भाग्य लिखना राम का काम है। अगर राम ने उसके भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर राम ने भाग्य में लिखा होगा तो पहुंच पाएंगे। तो इसको मैं यही समझती हूँ कि श्री राम जी ने उनके भाग्य में नहीं लिखा था, वो शायद नहीं चाहते होंगे कि ऐसे लोग उनके आसपास हों। फिलहाल आज क्या कहेंगी, ये जो राममय पूरी दुनिया हो गई है, पूरा इंडिया हो गया है, क्या कहेंगे राम भक्तों के लिए? मैं राम भक्तों के लिए यही कहूंगी कि बहुत सौभाग्य से ये अवसर हम सबको मिला है अपने जीवन काल में। दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, खुशी मनाएं, श्री राम घर आए हैं, इस चीज का जश्न मनाएं। जय श्री राम। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।